माला है मैंने बिजली स्विच बोर्ड उसके पहले जो थी वो मालूम, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो कांग्रेस के थे, लेकिन इस समय जो पूर्वज के बाद जो उनकी नई फसल चालू हुई वो सब बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस को तो की अपेक्षा भेड़ाघाट में इतना विकास है वो पहले से ही कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन बीजेपी का यहाँ विकास है। तो सरकार ने जो किया है उसको इंसानों ने सपोर्ट किया है, इसलिए वो विजय हो। नमस्कार, मैं मनीष और इस टाइम पे भी मैं भेड़ाघाट बद्दी विधानसभा क्षेत्र पे हूँ, जो कि ये एक दसवीं और विस्तृत क्षेत्र है और यहाँ पंडितों का मतलब आना जाना लगा रहता है, लगातार यहाँ बाहरी से भी आते हैं और जो यहाँ के लोकल पब्लिक है वो भी दर्शन करने आते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ नर्मदा जी का उद्गम भी है, यहाँ से उनका पानी भी जाता है और लोग यहाँ पानी शिव शंकर जी हैं वहाँ दर्शन भी करने आते हैं। तो आइए चलिए हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं और वहाँ तीर्थस्थल में देखते हैं कि यहाँ कैसा है, किस तरह का माहौल है। तो हम आपको अभी बात करते हैं, हम उनसे पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। नमस्कार पंडित जी, आप अभी बरगी विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी और कांग्रेस के, तो उनके बारे में थोड़ी आप परिचय दीजिए। जो घर पे हैं, जो लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस के संजय यादव जी, भारतीय जनता पार्टी। तो हमारा मानना चाहिए कि जो सरकार ने जो किया है तो इंसानों ने सपोर्ट किया है, इसलिए वो विजय होंगे। रोहित तिवारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पास आ रहे हैं लोग, तो यहाँ की जो अभी हमने बाहर देखा तो साफ सफाई वगैरह भी अच्छा है, रोड वगैरह भी अच्छा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि यहाँ अभी भी क्या कमी है कि लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है? बहुत सी परेशानियाँ होती है, परेशानी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जैसे साफ सफाई आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। भेड़ाघाट नगर पंचायत जो स्वच्छता अभियान चला रही है उसको काफी अच्छा सहयोग मिलता है, हमारी टीम है, हमारे परिवार से लोग हैं जो इतना अच्छा कार्य करते हैं कि नौका विहार का आगमन देखें, यहाँ दिन में 10,000 पब्लिक आती है, टूरिस्ट आता है। उन 10,000 टूरिस्टों की अपेक्षा भेड़ाघाट में इतना विकास है और पहले से ही कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन बीजेपी का यहाँ विकास है। तो सबसे ज्यादा यहाँ योगदान किस पार्टी का था अगर देखा जाए? यहाँ योगदान तो बीजेपी का ही रहता है, चाहे कांग्रेस का विधायक बन जाए या कांग्रेस की सरकार रहे, लेकिन यहाँ जो पहले से ही देखा गया है कि जो भेड़ाघाट में विकास हुआ है वो बीजेपी के नाम से हुआ है, ना कि कांग्रेस। जी जी। तो यहाँ अभी लंबे समय तक मतलब बीजेपी या कांग्रेस का सबसे ज्यादा शासन कैसा चलता रहा उनका, और कौन किसकी टक्कर में था, इसकी भी थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। टक्कर तो दोनों पार्टी की रहती है, ठीक है, टक्कर जब दो लड़ेंगे तो एक तो जीतेगा, लेकिन उसमें विश्वास इसलिए रहता है क्योंकि जो सरकार जो अच्छा करेगी वो जीतेगी। इन्होंने अच्छा किया है इसलिए इनको सपोर्ट ज्यादा मिल रही है, महिलाएं बहुत ज्यादा मिल रही है, इस बार महिलाओं का जनसमर्थन सबसे ज्यादा रहा। और यहाँ जो बाहरी पर्यटक आते हैं तो उनके लिए क्या कैसा व्यवस्थाएं रहती है यहाँ, वो भी हमें जानकारी दीजिए। यहाँ बाहरी टूरिस्ट अगर 10,000 आता है तो उसमें से 8,000 बाहर का रहता है, 2,000 लोकल रहता है, लेकिन 8,000 जो बाहर का रहता है वो यहाँ आके क्योंकि पहली बार ऐसा पर्यटन स्थल देखने को मिलता है इसलिए वो बहुत उत्साहित होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ रोजगार वगैरह का क्या है? रोजगार यहाँ दुकानें लगी हैं, दुकानें लगी हैं, दुकानें लगी, हर चीज़ का आइटम यहाँ लगा हुआ है। और जैसा कि हमने देखा कि आप बताएं कि यहाँ रोजगार वगैरह भी है और सब कुछ अच्छा है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ के रोजगारों से बाहरी ज्यादा है कि यहाँ के लोकल है, किस तरीके से यहाँ व्यापार करते हैं लोग? लोकल तो है यहाँ के, लेकिन लोकल से ज्यादा बाहरी है जी। अभी भेड़ाघाट पहले से उतना ज्यादा लोगों में प्रभावित नहीं था, इसके बाद बाहर के लोग यहाँ आके रहने लगे, उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया, तो वो हमारे यहाँ के ही हुए, इसलिए रोजगार अच्छा होता है जी। जी, तो आप यहाँ कितने सालों से कर रहे हैं ये काम? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जी, जो तीन रोहित है हमारे पिताजी के, पिताजी यहाँ उन्हीं के द्वारा यहाँ भेड़ाघाट में जब 13 मकान थे जब तक अपना मकान था, आज तक 4,000-5,000 मकान से ज्यादा हो।
उस टाइम से भी क्या बीजेपी या कांग्रेस लगातार आती रही है, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं? नहीं नहीं जानकारी मुझे है कि मैंने जब से वो संभाला है मैंने बीजेपी को वोट, उसके पहले जो थी वो मालूम है, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो कांग्रेस के थे, लेकिन इस समय जो पूर्वज के बाद जो उनकी नई फसल चालू हुई ना वो सब बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस को कोई पहचान नहीं है। तो ऐसा क्या वजह था कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और आपके पूर्वज जो है कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो ऐसा आपको क्या देखने को मिला कि आपने सब चेंजेस किया और डायरेक्ट पार्टी में भी बदल दिया? भाई नई जनरेशन जब आती है ना उसको जो अच्छा लगता है, अपने पिताजी को बताते हैं आजकल की आप बता दें कोई भी फसल जो पैदा होती है वो क्या कहती कि नहीं हमें पिताजी की बात नहीं मानी, हम अपना पढ़ेंगे। पहले वो एक रुपये में पढ़ते थे, आज अपन 1,000 में पढ़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से पहले जो कांग्रेस रही उसको अपन जानते नहीं थे, अब अपन को जहाँ ज्यादा आमदनी है जहाँ ज्यादा फायदा है अपन उसको देखेंगे, जिसने अच्छा कार्य किया है अपनी पढ़ाई से लेके जन्म से मरण से लेके, तो उसकी सपोर्ट क्यों नहीं है। और यहाँ पास अगर देखा जाए तो शिक्षा का क्या माहौल है, कैसे कितने प्रतिशत पे है? शिक्षा तो यहाँ 60 से ऊपर रहती है, भेड़ाघाट के काफी लोग हैं ऐसा भी अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए शिक्षा ज्यादा नहीं होती कि बच्चा पैदा होता है जब होश होता है ना तो वो पैसे की दौड़ने लगता है, इसलिए यहाँ के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जिसको पैसे का मोह नहीं रहता वो हमारे घर के हैं बहुत से बच्चे। यहाँ अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, महाविद्यालय भी है और कुछ संस्कृत विद्यालय भी होंगे, तो उसमें मतलब बच्चे कैसे किस तरीके की पढ़ाई करते हैं उस पर? नहीं यहाँ संस्कृत विद्यालय भी है, यहाँ वहाँ पढ़ोताई सिखाई जाती है, वहाँ से पढ़ोताई जो सीखता है तो पढ़ोताई करता है, आचार बनता है, भागवत करता है, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें तो ऐसा कि सरकारी सरकारी होता है, वहाँ स्कूल में टीचर तो आएंगे लेकिन बच्चे नहीं जाते, बच्चे इसलिए नहीं जाते कि यहाँ कमाई का जरिया है, उनके माता पिता उनको भेजते जरूर हैं लेकिन उनके जब नर्मदा में स्नान करने से उनके पास पढ़ाई। जैसा कि अभी आपने जस्ट बताया कि नर्मदा में यहाँ आने से नहाने से 500 रुपए का फायदा होता है, ये फायदा आखिर उनको होता कैसे, किस तरीके से आते हैं दान पुण्य करते हैं नर्मदा जी विसर्जन करते हैं तो लोग उसको खाते हैं? तो क्या सरकारी स्कूल के बच्चों के बस लिए रहते हैं ये? सरकारी सभी के रहते हैं लेकिन वो बच्चे ऐसे रहते हैं ना कि जो सरकारी पढ़ रहे हैं तो उनका उतना रहन सहन नहीं हो पाता, सरकार उनको दे भी रही लेकिन उसका लाभ वो ले नहीं पाते, उसमें कोई बीच के लोग होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, वो कहते नहीं आज ये पढ़ाने नहीं करते, इसको झोटू खो के अलग से कार्य करें तो आगे बढ़ी। अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल के बच्चे आज आगे नहीं बढ़ पा रहे है ना, इसमें आखिर गलती किसकी? अगर अपन देखा जाए तो माँ बाप की भी गलती होती है, बच्चों की भी गलती है, स्कूल वालों की भी गलती है, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका योगदान? उनका पालकों का योगदान सबसे ज्यादा रहना चाहिए कि बच्चों को हमें अगर शिक्षा दे दी है तो तब जाके वो शिक्षा दे पाए। और जैसा कि आपने बताया तो यहाँ संस्कृत महाविद्यालय जो होती है और संस्कृत विद्यालय, तो उसका हमें परिचय दीजिए कि क्या कैसा वहाँ पढ़ाया जाता है, किस तरीके की पुस्तकें होती हैं? वहाँ संस्कृत टोटल प्रोताई की परीक्षाएं होती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय इस टाइप का, उस पर पढ़ाई करके जो आचार बन गया यज्ञ करने लगा, दुर्गा पूजन कराने लगा, पाठ करवाने लगा, कथा कराने लगा, भागवत कराने लगा, तो ठीक उसी प्रकार से सीखते बढ़ता जा रहा है, ऐसी पढ़ाई उधर होती है, वो टोटल प्रोताई की पढ़ाई हमारे इधर राजन संस्कृत विद्यालय। तो जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत प्राचीन काल से चल रही है ना, मगर आज धीरे धीरे संस्कृत का महत्व लोग क्यों भूल रहे हैं? संस्कृत धीरे धीरे चल रही वो तो ठीक है, ब्राह्मण के पास ही इंसान आता है कि हमें पूजा करानी है और किसी के पास नहीं जाए, तो ब्राह्मण ज्यादा नहीं है ना, ब्राह्मण कम है, पढ़ाई तो वही हो रही है। मगर देखा जाए तो संस्कृत में लोग बहुत से ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, और अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज में भी संस्कृत का योगदान बहुत कम होता जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि ब्राह्मण कम है ना भाई, ब्राह्मण ज्यादा होते तो ज्यादा पढ़ाई होती, ज्यादा समझता संस्कृत, अब ब्राह्मण कम है तो ब्राह्मण जितने हैं उतनी पढ़ाई होगी ना, उससे ज्यादा तो होगी, 5,000 है तो 5,000 लोग पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो आज के डेट में तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण के बच्चे जो है जंगल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वह नौकरी के लिए भी भटक रहे हैं। नहीं तो वो तो सर्वोपरि है भाई, जनरल को कहाँ मिल रही है आप बताओ, आरक्षण में तो हरिजन आदिवासी ही आगे है ना, आप कितने ही पढ़ लें आपका कोई नहीं रहेगा, बताओ आप भाई, उसमें तो ब्राह्मणों को कोई है ही नहीं कि आप सरकारी नौकरी में चले जाओ, अगर सरकारी नौकरी में आपके कितने ही मार्क्स रहे लेकिन आपको नहीं लिया, तो
वहाँ पिछड़ा वर्ग ही जाता है, हरिजन आदिवासी छोटा ही जाता है। तो क्या इसमें लगता है कि बीजेपी को ये सोच बदलनी चाहिए कि आखिर ब्राह्मण समाज का बच्चा तो उसको भी आगे बढ़ना चाहिए? धीरे धीरे सोच बदलेंगे, मोदी जी उनसे बोला तो गया। आपने मोदी जी से डायरेक्ट तो बात नहीं की, आपने किसी के द्वारा उनको बोला गया है, तो क्या लगता है कि मोदी जी इस चीज को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अब हमारे विधायक अगर जीतेंगे तो हम इसमें सबसे पहली हमारी यही पहल रहेगी कि ब्राह्मणों को पीछे ना रखा जाए। मोदी जी तो दो पंचवर्षीय से, तो आज तक उनके जो कार्य किए गए, आज तक जो बदलाव किया गया, तो आपको क्या लगता है कि बदलाव में और भी क्या चेंजेस होना चाहिए? उन्होंने बदलाव किया, बहुत अच्छा बदलाव किया, अभी वो और चेंजेस करेंगे। अभी आने वाला समय अगर इस बार अपनी सरकार बनेगी तो इसमें आपको बदलाव स्वयं समझ में आएगा। आप ये बताइए कि अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जो घाटों के किनारे और मंदिरों में ब्राह्मण रहते हैं, पंडित रहते हैं, उनको 5,000 रुपए और कुछ अलग से पेमेंट दी जाएगी, तो क्या आपको मिलती है? नहीं, अभी तो नहीं मिलती, अभी उस पर ध्यान नहीं था क्योंकि हमारे इधर कांग्रेस का विधायक, अभी दो पंचवर्षीय में जो है ना वो कांग्रेस ही बैठा है, बीजेपी का नहीं। तो घोषणा तो यार 4-5 महीने पहले से हुआ, और कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि हमें मिल भी रही है, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा अभी नहीं मिला, अगर मिलेगा तो फिर आएगा, क्यों नहीं। तो कुल मिला के अभी तक यहाँ कोई नाम चर्चा ही नहीं लिया इस चीज का? चर्चा नहीं हुआ यहाँ पर, अगर ब्राह्मणों को शिवराज जी दे रहे हैं, अगर उन्होंने बोला है तो दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।